हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 6 आईसीएसई फिजिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे कि मेरा घर और मेरे फ्रेंड के घर में कितना डिस्टेंस है, तो मैं क्या मेजर कर रही हूँ, मैं लेंथ को मेजर कर रही हूँ। आज गर्मी बहुत लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है, तो क्या टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, क्या गर्मी ज़्यादा हो गई है क्या, तो मैं क्या देखूँगी, मैं कल का और आज का टेम्परेचर देखूँगी, तो अगेन एक मेजरमेंट है, राइट। वैसे ही फाइनल बेल कब बजेगी स्कूल की, तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का वेट करते हैं कि कब घर जाएंगे, है ना, कब मम्मी के पास जाएंगे, कब टीवी देखेंगे, कब आराम से बैठ के खाना खाएंगे। सो दिस इज़ अगेन अ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट्स का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इन्हीं मेजरमेंट्स के लिए हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, कुछ यूनिट्स का यूज़ करते हैं। कुछ मेजरमेंट बेसिकली जो है वो दो पार्ट्स में होती है, पहला होता है यूनिट जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा होता है नंबर जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मेजरमेंट्स आर, सो मेजरमेंट इज़ बेसिकली, व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट इज़ नंबर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर एक यूनिट है। जैसे कि मम्मी ने आपको बोला कि बाज़ार जाओ और जाके 15 किलो आलू लेकर आओ, ठीक है, तो 15 इज़ अ नंबर एंड केजी इज़ अ यूनिट। बात क्लियर हुई? वैसे ही अगर आप नीचे देख रहे हो तो एक स्केल है, तो स्केल में ये जो नंबर्स हैं, दीज आर एन बेसिकली नंबर्स एंड दिस सेंटीमीटर इज़ अ यूनिट, करेक्ट। तो मैंने बोला 15 केजीज पटेटो, 15 केजी पटेटो, ठीक है, तो 15 इज़ अ नंबर, इट मींस कि इस यूनिट का 15 टाइम्स मुझे ये पर्टिकुलर क्वांटिटी चाहिए या ये आलू मुझे चाहिए। बात ख़त्म हो गई? ओके। अब चॉइस ऑफ यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो भी हम यूनिट यूज़ करें ना वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। अब मैं बोलूँगी कि ऐसा करो 1500 ग्राम आलू लेकर आओ, ठीक है, सो नाउ आई विल से 1500 ग्राम्स पटेटोज लेकर आओ, ठीक है, सो डू यू थिंक दिस इज़ कन्वीनियंट, सोचो, नहीं है। अगर मैं इसको 1.5 किलो आलू बोल दूँ तो क्या ये कन्वीनियंट है? ऑफकोर्स है, ये ज़्यादा सिंपलर है, ठीक है। तो जो भी हम यूनिट यूज़ करते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करते हैं, कि हम कितनी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम एक छोटी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या हम बड़ी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यूनिट्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम इस सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें यूनिट्स समझ आते जाएंगे। द नेक्स्ट इज़ इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1 kg, तो अब मैं इंडिया में 1 kg बोल रही हूँ तो वो यूरोप में जाके भी 1 kg होना चाहिए। मान लो यूरोप में पाउंड यूज़ होता है, ठीक है, तो पाउंड जो है वो भी कैसे kg से कनेक्टेड है वो हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो सारे यूनिट्स हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने चाहिए, ताकि मैं उनकी बात चाहे इंडिया में करूँ, चाहे सिंगापुर में करूँ, चाहे मैं यूरोप में करूँ, चाहे मैं UK चली जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ बेसिकली, तो वहाँ पर ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने चाहिए। सो मेजरमेंट की जब भी हम बात कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली कुछ क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी with the known fixed quantity of the same kind, right? Okay, so choice of units mein we have different systems of units. First is CGS. So C is for centimeter, G is for grams and S is for seconds. So this is the CGS unit, theek hai? So centimeter is for length, gram is for mass and second is for time. Is that right? ओके, देन FPS, देन फुट इज फॉर लेंथ, पाउंड इज फॉर मास, सेकेंड इज फॉर टाइम।
इज दैट राइट. द नेक्स्ट वन इज MKS, मीटर. सो मीटर इज फॉर लेंथ, किलोग्राम इज फॉर मास, एंड सेकेंड इज अगेन फॉर टाइम. सो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट आर नोन टू अस. ठीक है, तो जब भी हम सेंटीमीटर की, फुट की या मीटर की बात करेंगे, सो ऑलवेज रिमेंबर दीज थ्री, ऑल दो दे बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स, बट ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं कि एक मीटर कितना सेंटीमीटर होगा या एक मीटर कितना फुट होगा. ठीक है, सो दीज आर कनेक्टेड, दैट वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी विल मूव अहेड और हम कन्वर्जन्स की बात करेंगे. अब यहाँ पर ना देखो, हर टाइम आप ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को यूज़ नहीं कर सकते हो. तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, बेसिकली ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बुलाते हैं. तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनके लिए हम एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ करते हैं, विच इज़ SI यूनिट यूज़ करते हैं. सो SI इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स की बात करते हैं. तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में सबसे पहले होता है जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, दे आर लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर. तो लेंथ के लिए होता है मीटर, तो ठीक है, मास के लिए होता है किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड और टेम्परेचर के लिए केल्विन, और ये हैं इनके सिम्बल्स, राइट. सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीवन. अब कई बार क्या होता है कि जो हम क्वांटिटीज़ यूज, मतलब जहाँ हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कुछ यूनिट्स बहुत बड़े होते हैं और कुछ यूनिट्स बहुत छोटे होते हैं. तो उसके लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस और कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेंथ की बात करें, लेंथ की भी नहीं बट हम सिर्फ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की बात करें, तो सबसे पहला है मिली. मिली को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मिली इज़ ऑलवेज 1/1000. अगर मैं लिख रही हूँ 1 meter इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर, सो इट विल बी इक्वल टू 1/1000 millimeters. ठीक है, बात क्लियर हुई. सो इट विल बी इक्वल टू 10^-3 millimeters, राइट. फिर आता है सेंटी, सो सेंटी इज़ 1/100. ठीक है, सो विच मीन्स 10^-2. जितने अगर कोई कभी भी ना, अगर आपको जैसे ये 1/100 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर अगर आप ये देखते हो कि ये डिनोमिनेटर में है हमारा बिगर नंबर, ठीक है, और ये जैसे मल्टीपल्स ऑफ 10 है, 10, 100, 1000, 10,000 कुछ ऐसा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम इस नंबर को ऊपर लेकर जाएंगे. सो वी विल राइट 10, सिंपली कितने भी ज़ीरोज़ होंगे हम सिर्फ 10 लिखेंगे, और साथ में जितने ज़ीरोज़ हैं उतना नेगेटिव में पावर ऐड कर देंगे. जैसे यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ थे तो हमने ऊपर 10 लिखा और नेगेटिव में 3 ज़ीरोज़ ऐड कर दी, 3 की पावर लगा दी नेगेटिव में. ठीक है, वैसे ही अगर हम किलो की बात करते हैं, सो किलो इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100. ठीक है, सो 1 meter इज इक्वल टू हाउ मच, या फिर 1 kilometer. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 kilometer इज हाउ मैनी मीटर्स, सो 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meters. तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि मेरे ज़ीरोज कम हो जाए, मैं क्या करूँगी, अब ये क्योंकि न्यूमिरेटर में ही है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो बड़ा वाला नंबर तो ऑलरेडी ऊपर है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 10 एंड हाउ मैनी ज़ीरोज, 3 ज़ीरोज़. नाउ सिंस दिस इज़ ए न्यूमिरेटर, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव ऐड नहीं करूँगी, ये जो मेरी पावर है ये पॉजिटिव में ही रहेगी, राइट. सो फॉर मिली इट इज़ 1/1000, फॉर सेंटी इट इज़ 1/100, फॉर किलो इट इज़ 1000, राइट. तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं और उनके सिम्बल्स हैं, जैसे किलोग्राम, किलोमीटर, राइट, मिलीग्राम, मिलीमीटर. इज़ दैट क्लियर, सिंपल है, ओके. तो ये याद रखना है, क्योंकि ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये आगे हमें कन्वर्जन्स में बहुत हेल्पफुल होने वाली है. नाउ द कन्वेंशंस वाइल राइटिंग द SI यूनिट, जब हम एक SI यूनिट लिख रहे हैं तो हम उसके यूनिट्स को कैसे लिखेंगे, उसके रूल्स क्या हैं. सबसे पहला रूल है कि जो सिम्बल्स हैं, दे आर सिम्बल्स यूज्ड फॉर यूनिट्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स. जैसे कि हमने मीटर का सिम्बल लिखा, हमने
किलोमीटर का सिंबल लिखा, हमने सेकंड का सिंबल लिखा, हमने और किसका सिंबल लिखे, हम किलोग्राम लिखते हैं। तो हमेशा जब भी आप सिंबल लिखोगे आप उसको स्मॉल लेटर में लिखोगे। दूसरी चीज़, सम यूनिट्स आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स इन वर्ड्स। तो अब जैसे मान लो एम्पियर, चलो एम्पियर छोड़ो, न्यूटन एक यूनिट है, ठीक है। तो जब भी आप न्यूटन लिखोगे तो न्यूटन का यूनिट से मुझे लिखना है द फोर्स इज वन न्यूटन। तो मैं यहाँ पर वन और न्यूटन का एन जो है वो स्मॉल रखूँगी, पूरा का पूरा जो न्यूटन वर्ड है उसमें स्मॉल लोअर केस के लेटर्स ही यूज़ होंगे। द नेक्स्ट वन इज, इसको ना कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज द सिंबल्स फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। अब ये न्यूटन मैंने लिखा, अब इस न्यूटन को मैं कैसे लिखूंगी, मैंने न्यूटन को ऐसे लिखा लेकिन इसका सिंबल जो है वो कैसे आएगा, वन न्यूटन, ना कि वन न्यूटन। तो जब सिंबल में लिखना है तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल करके ही लिखना है, सिंपल था। जब वर्ड्स में लिख रहे हो तो पूरा लोअर केस में लिखना है, लेकिन जब आप साइंटिस्ट के नेम से डिराइव्ड यूनिट लिख रहे हो तो जो लेटर है, जो सिंबल है वो कैपिटल आएगा। नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन इज द यूनिट्स एंड सिंबल्स आर नेवर रिटन इन प्लूरल। जैसे कि से 10 मीटर, ठीक है। सो इट इज़ रिटन 10 मीटर, इट इज नेवर रिटन 10 मीटर्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 10 मीटर, इट इज नेवर रिटन 10 मीटर्स, सो दिस इज रॉन्ग। बात समझ आई, डिफरेंस समझ आ रहा है, प्लूरल में नहीं लिखने हैं बस, ओके। नाउ इन वर्ड्स यूनिट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। तो यूनिट को ना हम हमेशा ही स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे वर्ड्स में, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। देन अ स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द सिंबल्स ऑफ टू यूनिट्स विच when they are used as a product. So मान लो मैंने लिखा वन न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय वन सेकेंड, ठीक है। अब हर बार इतना लंबा तो लिखूंगी नहीं, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मैं इसको क्या लिखूंगी, वन न्यूटन और वन सेकेंड। तो न्यूटन और सेकेंड के बीच, ये जो दोनों ही यूनिट्स हैं इनके बीच स्पेस होना चाहिए, ओके। सो एम आई क्लियर। तो देखो यहाँ पर क्योंकि मैंने वर्ड्स में लिखा था न्यूटन, तो मैंने यहाँ पूरा छोटा छोटा लिखा, ठीक है। लेकिन जब मैंने साइंटिस्ट के नेम जिससे यूनिट डिराइव्ड है, जब मैंने उसका सिंबल लिखा तो मैंने एन को कैपिटल कर दिया। बात समझ आ रही है, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट इज, नेगेटिव पावर्स आर यूज फॉर द कंपाउंड यूनिट्स फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग वन यूनिट बाय द अनदर। तो होता क्या है, जैसे कि मीटर पर सेकंड, जैसे कि हम लिखते हैं ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो यूनिट आता है डिस्टेंस का आता है मीटर और टाइम का आता है सेकंड, ठीक है। तो हम इसको, जैसे मान लो आंसर आया है मेरा 10, तो मैं इसको लिखूँगी 10 मीटर पर सेकंड, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँगी नेगेटिव पावर्स में मैं इसको लिखूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट वे। बात समझ आई, तो कन्वेंशंस क्लियर हुए, बहुत ही सिंपल थे, कुछ अलग नहीं था, बट बहुत सारे बच्चे यही छोटी मिस्टेक्स करते हैं। तो कन्वेंशंस आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नाउ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ आर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम लेंथ के मेजरमेंट की बात करें तो लेंथ क्या होता है, इट इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ। अब लेंथ में जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का से डायामीटर मेजर कर रहे हो या ब्रेथ मेजर कर रहे हो या फिर हाइट मेजर कर रहे हो, सो दैट ऑल कम्स अंडर लेंथ, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मेरे पास ये एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स की हाइट चाहे मैं मेजर करूं, तो जब मैं हाइट मेजर करूंगी तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को मेजर करूंगी। तो अगर इन सिंपल वर्ड्स हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही तो मेजर कर रहे हैं, तो वो लेंथ होगी। अगर मैं इसकी ब्रेथ को मेजर करूं तो मैं क्या कर रही हूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रही हूं। तो इन शॉर्ट क्या कर रही हूं, लेंथ ही देख रही हूं। वैसे ही अगर
यहाँ पर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखूँ तो दिस इज़ द लेंथ, राइट। तो यहाँ पर भी मैं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ, सो अगेन आई एम मेजरिंग डिस्टेंस। तो जब भी आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसे आप बुलाते हो लेंथ, राइट। लेंथ का जो एसआई यूनिट है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्या है, मीटर है। तो मीटर एम ई टी आर ई होता है, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल एम, सिंबल है स्मॉल एम। सो व्हाट इज वन मीटर? सो वन मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एयर इन वन डिवाइडेड बाय 2997924 58 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं टू सिंप्लीफाई इट, ठीक है। इस पूरी टर्म को हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और कितने कितने नंबर्स हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 2 3, और बाकी नंबर्स को हमने 0 मान के, मतलब हमने इसको ले लिया 1 over 3 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमने इसको मेजर कर लिया। तो अब हम इसको सिंपली लिख देंगे 3 into 10 raised to the power 8। तो ये हम सिंपल टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, सिंपल सिंप्लीफाई करने के लिए लिखते हैं। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एयर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट इतनी जल्दी ट्रैवल करती है एयर में, ठीक है, एक सेकेंड में। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन मीटर, ओके। देन द नेक्स्ट इज द लॉन्ग डिस्टेंस दैट इज मेजर्ड इज इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो जब भी हम लंबे डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो हम किलोमीटर्स का यूज करते हैं, और यहाँ पर के जो है वो भी छोटा होगा, सो इट इज के एम, स्मॉल के एंड स्मॉल एम, ठीक है। अब मान लो कि मैं बात कर रही हूँ कि मेरे घर से स्कूल का, या फिर जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से मेरे घर के, मेरे फ्रेंड के घर का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब वो काफ़ी दूर है, तो अगर मैं मीटर्स में बोलूँगी तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं ये टर्म बोलूँगी, मतलब मैं इस डिस्टेंस को मेजर करूँगी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है। सो से द डिस्टेंस बिटवीन माई हाउस, ठीक है, सो दिस इज माई हाउस एंड दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा और मेरे फ्रेंड के घर में, तो ये कितना है, आई विल से 10 kilometers, ठीक है। अब ये जो किलोमीटर होता है, सो 1 kilometer, सो दिस विल बी स्मॉल, इज इक्वल टू 1000 meters। सो 1 kilometer इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 meters, ठीक है। तो इसको मैं एक और तरह से भी लिख सकती हूँ, कैसे, कितनी जीरोज हैं, 3, सो 10 raised to the power 3 meters, ठीक है। तो ये भाई वो सिंपल कन्वर्जन्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आगे क्वेश्चंस आएंगे और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस इज सेंटीमीटर्स। अब मीटर तो है ही, है ना, लेकिन मीटर से भी अगर लंबा कुछ हमें मेजर करना हो, मतलब जिसके लिए हमें ऐसा लगे कि बहुत लंबे डिस्टेंसेस हैं, तो हम किलोमीटर्स का यूज़ कर रहे हैं। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि अब जैसे मुझे इस पेन की लेंथ को मेजर करना है, तो मैं ना तो इसको किलोमीटर्स में कर पाऊँगी, ना मतलब कर तो मैं पाऊँगी लेकिन कुछ समझ सा नहीं आएगा, ठीक है, ना ही मैं इसको मीटर्स में कर पाऊंगी क्योंकि मीटर से भी ये काफ़ी छोटा है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर्स, और जिसे हम cm लिखते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो 1 centimeter इज इक्वल टू 1/100th part ऑफ मीटर, मतलब 1 centimeter इज इक्वल टू 1/100th part ऑफ मीटर, राइट। तो विच मीन्स 1 meter इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, सोचो कितने, 100, सिंपल सामने लिखा है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको रिकॉल करते रहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डिस्टेंस इज शॉर्टर देन सेंटीमीटर्स। अब कुछ ऐसे भी होंगी कि जो इससे भी छोटी होंगी, जैसे हमने क्या पढ़ा था मैटर वाले चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि जब डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज लेस देन 10 raised to the power -9 meter, पढ़ा था ना हमने, तो उनमें
क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं उन मॉलिक्यूल्स में. और वो कौन से होते हैं, कौन सी स्टेट में होते हैं, दे आर इन द लिक्विड स्टेट, सॉरी सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं, दैट वी आर मेजरिंग इन मिलीमीटर्स, दैट इज mm, स्मॉल m, स्मॉल m. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000th पार्ट ऑफ मीटर. सो विच मीन्स 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 meter. बात क्लियर हो गई? ओके, द नेक्स्ट इज 1 meter इज इक्वल टू 1000 millimeter. सो अगेन ये वही चीज़ है जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है, क्योंकि ये कन्वर्जन्स हैं और ये कन्वर्जन्स आएंगी. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 10^-9 लिखा, अगर हम इसी को मिलीमीटर्स या कुछ ऐसे में लिखें तो हमें ज़्यादा समझ आएगा, राइट? तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ. सो लेट अस नाउ डू अ क्विक रिकैप ऑफ द यूनिट्स दैट वी हैव स्टडीड फॉर लेंथ. तो हम इनको कंपेयर करेंगे मीटर के साथ. ठीक है, तो सबसे पहला है वो डिस्टेंसेस जो मीटर से भी बहुत लंबे हैं, तो उनको हम लेते हैं किलोमीटर्स में. सो 1 kilometer इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, 1000 meters. ठीक है, सिंपल. तो इसको हम लिख सकते हैं एक और तरीके से, दैट 1 kilometer इज इक्वल टू 10^3 meters. इज इट करेक्ट? यस. नेक्स्ट इज 1 centimeters. 1 centimeter कितना होता है? इट इज़ इक्वल टू, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि यस, 1 centimeter इज इक्वल टू 1/100 meters. तो इसे हम 10^2, हाउ मैनी जीरोज, 2, और डिनोमिनेटर में था तो जब न्यूमिरेटर में लेकर गए तो पावर नेगेटिव हो गई. सो 10^-2 meters, राइट? अब 1 millimeter इज इक्वल टू 1/1000 meters. इसका मतलब 10^2, हाउ मैनी जीरोज, 3 zeros, सो -3 meters. तो ये क्विक रिकैप, समझ आ गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड. अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर और भी कुछ यूनिट्स हैं जो हम देखते हैं जो लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज फुट. ठीक है, तो फुट, एक फुट होता है 12 inches. इंच जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट है. अगर कभी आपने ना जो हमारा मेजरिंग टेप होती है जो टेलर्स यूज़ करते हैं, अगर आप उसमें देखो तो उसमें इंच इंच का इंच के हिसाब से बेसिकली वो मेजरमेंट्स लेते हैं. ठीक है, तो 1 foot जो है वो 12 inch के बराबर होता है. ठीक है, इंच जो है वो और भी छोटा यूनिट है, राइट? नाउ बिगर यूनिट दैन फुट इज यार्ड. तो एक यार्ड जो है वो 3 foot के बराबर होता है. इसका मतलब 3 × 12 इज इक्वल टू 36, सो इट विल बी इक्वल टू 36 inch. ठीक है, सो 1 yard इज इक्वल टू 3 feet एंड इट इज इक्वल टू हाउ मैनी inches, 36 inches. तो ये बेसिक कन्वर्जन्स हैं जो याद रखनी है. आई विल नॉट से याद रखनी है, बट आई विल ऑलवेज से कि प्रैक्टिस करनी है. एक बार आपने प्रैक्टिस किया, नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ये यहाँ पर इन मल्टीप्लिकेशंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली याद होंगी. ठीक है, नाउ इन CGS सिस्टम, तो CGS सिस्टम की बात करें तो जो यूनिट है लेंथ का, दैट इज़ सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो 1 inch जो होता है, 1 inch इज़ इक्वल टू 2.54 centimeters. ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1 inch इज इक्वल टू 2.54 centimeters. ठीक है, तो 1 foot कितना इंच होता है? 1 foot इज 12 inches. तो इसका मतलब है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 2.54 से तो उतना सेंटीमीटर्स आ जाएगा. तो कितना आया है? 30.48 centimeters. ठीक है, ओके. नाउ 1 yard, सो 1 yard इज इक्वल टू 3 foot, राइट? सो मल्टीप्लाई इट विद
30.48, so it will be equal to 91.44 सेंटीमीटर्स, राइट। तो बेसिकली ये वो कन्वर्जन्स हैं जो आपको प्रैक्टिस 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 करनी है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। तो जब भी हम लेंथ को मेजर करते हैं ना, तो हम कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप स्कूल में क्या यूज़ करते हो मैथ्स की क्लास में, स्केल, राइट। सो दैट इज़ अ मेजरिंग डिवाइस फॉर लेंथ। वैसे ही एक बड़ा सा स्केल यूज़ करते हैं जो यूजुअली टेलर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ मीटर रूलर, जो बड़ी थोड़ी ज़्यादा लेंथ के लिए यूज़ होता है। और एक होता है कुछ ऐसा जिसे हम मीटर टेप बुलाते हैं। सो दीज आर द टू मेजरिंग डिवाइसेस दैट आर यूज टू मेजर द लेंथ। तो मीटर रूलर एक ऐसा स्केल है, एक ऐसा रूलर है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। ये यूजुअली वुडन या प्लास्टिक की फॉर्म में आता है, लेकिन जो रूलर्स हम यूज़ करते हैं वो कितने सेंटीमीटर्स के होते हैं? जो ज्योमेट्री बॉक्स में हम डालते हैं वो तो 15 सेंटीमीटर के होते हैं। एक उससे बड़ा वाला भी रूलर होता है, दैट इज 30 सेंटीमीटर्स। सो जो हम रूलर्स यूज़ करते हैं ना, वो जनरली ऐसे 15 या 30 सेंटीमीटर्स वाले होते हैं। लेकिन जैसे टेलर्स यूज़ कर रहे हैं या और लोग, जहाँ पर भी मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो रहा है वहाँ पर मीटर रूलर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये जो मीटर रूलर्स होते हैं ना, ये बहुत ही सिंपल होते हैं टू अंडरस्टैंड। जैसे ये जो रूलर है जो आप पिक्चर में देख रहे हो, इट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे कि ये रूलर जो है ना, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 15 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। तो 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन, सो टिल 15 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो इसके मतलब ये जो एक एक सेक्शन है 1 सेंटीमीटर का, इसको भी फर्दर छोटे छोटे डिविजन्स में मार्क किया गया है, एंड दीज डिविजन्स दे आर मिलीमीटर्स। सो बेसिकली अगर मैं इधर से इधर की बात करूँ, इतना से डिस्टेंस की बात करूँ, सो दिस इज़ 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है इन रूलर्स का यूज़ करके आप 1 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस भी बहुत एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कि यूज़ कैसे करना है। तो देखो, यूज़ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ क्वाइट क्रूशल। मतलब ऐसा नहीं है कि कैसे भी कहीं से भी रीडिंग ले लो। तो देर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। द फर्स्ट वन इज़, मान लो मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है। अब इस पेन को ना, ये मान लो कि मैंने यहाँ पर रख दिया, ये जो रेड लाइन है ना PQ, ये है। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा ज़ीरो पॉइंट है ना, उसको मैं एक एंड से मैच कर दूँगी, एक एंड के साथ बेसिकली अलाइन कर दूँगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के एक एंड के साथ मैं ज़ीरो मार्क को अलाइन करूँगी, एंड नाउ आई विल प्लेस दिस रूलर अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो अब रूलर है ना, तो उसको बिल्कुल लेंथ के अलोंग अलाइन करना है, ऐसे नहीं अलाइन करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे रखना है, बिल्कुल लेंथ के अलोंग, ठीक है। नाउ वी विल सी कि वो कहाँ पर जाकर उसका दूसरा एंड कौन से मार्क पर जाके ख़त्म हो रहा है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर एंड हो रहा है। हो सकता है कि ये यहाँ से रूलर शुरू हुआ, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो आप यहाँ से देख रहे हो, तो आपको मेजरमेंट कुछ आपने मान लिया 4.2 है, ठीक है। फिर आपने इधर से देखा तो आपको लगा यार ये तो 4.4 आ रही है, लेकिन ये दोनों ही मेजरमेंट्स रॉन्ग होंगे। इन्हें एरर ऑफ पैरेलेक्स बुलाते हैं हम। जब भी हमें कोई मेजरमेंट लेनी है, हमें अपनी आईज़ को बिल्कुल उस पॉइंट के सामने रखना है, बिल्कुल अलाइन करना है, साइडवेज हमें नहीं देखना है। क्योंकि जब हम साइडवेज देखेंगे ना, तो वो पॉइंट्स का आएगा नो डाउट 1। अगर आप यहाँ पर देखो तो बिल्कुल 1 mm वाला एरर आ रहा है, लेकिन एरर तो है, राइट। तो हमें एरर लाना ही क्यों है। तो हम इसको बिल्कुल अपनी आईज़ को उस पॉइंट पर अलाइन करेंगे और फिर हम रीड करेंगे। तो जैसे दिस इज़ रॉन्ग पोजिशन, दिस इज़ अगेन रॉन्ग पोजिशन, लेकिन जब हम इसको बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं इस पॉइंट को, तो तब हमें इसकी एकदम सही पोजिशन मिल रही है। तो ऐसे आपको जब भी आपको मीटर रूलर का यूज़ करना है, तो आपको बिल्कुल अपनी आईज़ को ऐसे अलाइन करना है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपका जो रूलर है ना, मान लो वो किसी एंड से टूटा हुआ है, यहाँ से भी टूटा हुआ है, यहाँ से भी टूटा हुआ है, लेकिन अभी कोई लेंथ को मेजर करना बहुत ज़रूरी है, और वो
इतने से डिस्टेंस के बीच में, इतनी लेंथ के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको किसी एक पॉइंट के अराउंड उसको अलाइन करेंगे। तो जैसे हमने इसको यहाँ पर वन के साथ इस पॉइंट को अलाइन कर दिया, एक एंड को अलाइन कर दिया, दूसरे को हम बिल्कुल रूलर के साथ ले जाते जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि वो कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इसको बिल्कुल वन के साथ अलाइन करना है। ठीक है, सो से P1 इज 1 centimeters एंड P2 आ रही है हमारी 4.3, सो इट इज 4.3 centimeters। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों के बीच की लेंथ क्या है, तो लेंथ जो है, से द पोजिशन और द लेंथ इज इक्वल टू P2 माइनस P1, सो इट विल बी इक्वल टू 4.3 माइनस 1, सो इट विल बी 3.3 सेंटीमीटर। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की आप यहाँ पर लेंथ मेजर कर रहे थे, दैट इज 3.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इवन दो हमारा स्केल टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी वी वर एबल टू मेजर द लेंथ करेक्टली। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेजरिंग टेप। ठीक है, तो एक मेजरिंग टेप तो आपने देखी होगी, ये वाली जो कौन यूज़ करता है, जो टेलर्स यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर आपका रिस्ट का रिस्ट को उनको देखना है, चेक करना है कि भाई आपकी जो बाजुएं हैं वो कितनी बनेंगी, तो वो क्या करते हैं, आपकी रिस्ट के अराउंड ऐसे इस टेप को अलाइन करते हैं। ठीक है, एक और आपने मेजरिंग टेप देखी होगी यूजुअली कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, जहाँ पर उनको 100 मीटर्स के डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। आपने कभी देखा है कि जब रोड की मेटलिंग होती है ना, उसके बाद वो नए रोड के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, फिर वो ना 100 मीटर्स को ऐसे मेजर करके वहाँ पर मार्क्स लगा के जाते हैं। तो उनके पास कुछ ऐसी मेजरिंग टेप होती है और इसकी हेल्प से वो उस रोड की लेंथ को मेजर करके जाते हैं और वहाँ पर मार्क्स लगा देते हैं। ठीक है, सो दीज आर द टू मेजरिंग टेप्स दैट आर यूज्ड। ठीक है, कहाँ यूज़ होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी यूज़ होती हैं, जहाँ पर छोटे छोटे डिस्टेंसेस को 100 मीटर्स तक के डिस्टेंसेस को मेजर करना होता है। एंड इवन दीज आर यूज्ड बाय द टेलर्स एज वेल, जैसे कि हमने ये फर्स्ट वाली देखी। ठीक है, अच्छा, अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर मुझे इसको ऐसे राउंड भी करना है तो भी मैं कर पाऊँगी। क्या आप स्केल से कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्केल से तो आप बिल्कुल सीधी लेंथ, क्योंकि स्केल तो ट्विस्ट होगा नहीं, तो ये जो दोनों ही हैं इनको आप ऐसे से एक कर्व्ड सरफेस को भी आप इजीली मेजर कर पाते हो इन दोनों के हेल्प से। राइट, सो दीज आर द टू मेजरिंग टेप्स। सो बिफोर वी एंड आर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, लेट अस टेक सम वन क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द डायग्राम शोज अ स्टिक प्लेस्ड अलॉन्ग द मीटर रूलर। तो एक स्टिक है और ये मीटर रूलर के अलॉन्ग हमने प्लेस की हुई है। सो द लेंथ ऑफ द स्टिक इज मेजर्ड बाई कीपिंग द आई एट 3 positions, A, B, C, A, B and C। ठीक है, तो ये हमारी स्टिक है और ये हमारा रूलर है। तो एक ये पोजिशन है, एक ये पोजिशन है, एक ये पोजिशन है। राइट, सो राइट द लेंथ ऑफ द स्टिक एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ईच पोजिशन ऑफ द आई, आर दे सेम। तो अगर हम ए की बात करें तो ए से हमें ये लग रहा है 3.4, तो यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ से देखें तो ये 3.2 सेंटीमीटर्स आ रहा है और यहाँ से देखें तो ये अराउंड 3 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या ये सारे सेम हैं? नो, ऑल ऑफ देम आर द डिफरेंट लेंथ्स। राइट, सो विच इज़ द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई, राइट द करेक्ट लेंथ ऑन द स्टिक। सो द लेंथ ऑफ द स्टिक इज 3.2 सेंटीमीटर्स। ये जो दोनों ही पोजिशंस हैं ये गलत हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमें किसी लेंथ को मेजर करना है तो वो पॉइंट जहाँ तक हमें लेंथ को मेजर करना है, हमें आईज उसको साइड से नहीं देखना है, उसको हमें आई उसके बिल्कुल पैरेलल अलाइन करके वहाँ से रीडिंग को नोट डाउन करना है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सो लेट अस स्टार्ट विद द मेजरमेंट ऑफ मास। तो सबसे पहली बात है कि मास होता क्या है। एक बॉडी है, ये एक पेन है, इसका मास क्या है? इसका मास है कि इसके बीच में कितना मैटर है। व्हाट इज मैटर, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। सो मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। ठीक है, सो
यही होता है मैटर। तो इस बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसे हम मास बुलाते हैं। तो यूजुअली जो हम किसी भी चीज़ का मास लेते हैं दैट वी टेक इन किलोग्राम्स, जैसे 1 किलो टमाटर ले आओ या 2 किलो आलू ले आओ या 3 किलो प्याज लेकर आओ, सो वी द SI यूनिट दैट इज़ यूज फॉर मास इज किलोग्राम। ठीक है, अब हम एंशियंट टाइम्स से अलग अलग तरीके से मास को डिफाइन करते आए हैं, तो एट प्रेजेंट जो हम मास को डिफाइन करते हैं दैट इज़ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज टेकन 1 किलोग्राम। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है कि एक लीटर पानी है 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका मास कितना होगा, 1 kg होगा। ठीक है, ओके अब मास जो है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं 1 किलो आलू की बात कर रही हूँ तो अब हमेशा हर जगह आलू जो है 1 किलो ही होंगे, लेकिन जहाँ पर आलू बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वहाँ से बोरियों में भरकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम किलो में मेजर नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस ज़्यादा क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ बड़े बड़े यूनिट्स हैं, मल्टीपल्स इन सब मल्टीपल्स ऑफ दिस SI यूनिट दैट इज़ किलोग्राम। तो एक बिगर यूनिट ऑफ मास है क्विंटल। ठीक है, क्विंटल कितना होता है, सो 100 किलोग्राम्स मेक्स 1 क्विंटल, मतलब एक क्विंटल कितना हुआ, एक क्विंटल हुआ 100 किलोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ भी जो क्विंटल है वो क्यू छोटा होगा, मैंने सब जगह ये गलत, यहाँ ठीक लिखा है, यहाँ भी मैंने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जो कन्वेंशंस हमने पढ़े हैं, राइट। तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज, तो अगर आपको बोले कि जैसे कोई फार्मर हो वो बोले, आप उनसे पूछने जाओ कि आपकी खेत में कितना से राइस आप एक खेत में उगा लेते हो, तो वो बोलेगा कि बेटा 1 क्विंटल तो हो ही जाता है। तो अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि 1 क्विंटल होता कितना है। सो 1 क्विंटल इज़ इक्वल टू 100 kgs, सोचो 100 kgs। ठीक है, द नेक्स्ट बिगर यूनिट इज़ द मेट्रिक टन, जो क्विंटल से भी बहुत बड़ा है। सो 10 क्विंटल मेक्स 1 मेट्रिक टन, मतलब 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल। ठीक है, तो केजीज में कितना होगा, 1 क्विंटल कितना था, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kgs। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 kilograms। सो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kilograms। सो अगेन कन्वर्जन्स, प्रैक्टिस। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, चाहे कभी भी आपसे पूछा जाए। तो रटना नहीं है किसी भी कन्वर्जन को, प्लीज़ उन सबको ना प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। तो ये तो हमने बड़े बड़े मेजरमेंट लिए मास के। ठीक है, अब हम छोटे यूनिट्स पे आते हैं। अब मैं इस पेन की बात करूँगी, अब मैं आपसे पूछूँ कि ये जो पेन है इसका मास कितना है, तो ना तो आप क्विंटल में बताओगे, ठीक है, ना तो आप मेट्रिक टन में बताओगे, ना ही आप किलो में बताओगे, क्योंकि ये बहुत ही कम है। ये किस में है, ये ग्राम्स में है। सो वी यूज ग्राम्स, ग्राम बेसिकली। ठीक है, सो हाउ मच इज 1 ग्राम, सो 1 ग्राम इज 1000th पार्ट ऑफ द स्मॉलर यूनिट ऑफ मास। तो मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kilogram। बात क्लियर हो गई, ओके। द नेक्स्ट वन इज द मास ऑफ द मच लाइटर बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स। कई बार हमारे पास इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे हम मेजर करते हैं जब स्पेशली बेकिंग करते हैं, तो बेकिंग में जो हम चीज़ें लेते हैं ना वो ग्राम्स मिलीग्राम में छोटी छोटी क्वांटिटी में हम चीज़ों को ऐड करते हैं बेकिंग के टाइम पर, तो वहाँ पर हम मिलीग्राम्स में भी यूज़ करते हैं। सो वॉट इज़ 1 मिलीग्राम, सो 1 मिलीग्राम इज़ वो 100th था, और ये क्या है, ये है 1000th, सो 1/1000 grams। ओके, तो बात क्लियर हो गई। तो इसी को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 10^-3 grams, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10^-6
6 किलोग्राम्स। तो ये सारी कन्वर्जन्स को आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको लिखा है 1 मिली, एक मिनट, सो लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आर कन्वर्जन्स। तो अगर मैंने इसको लिखा है कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना होता है, 1 ग्राम कितना होता है, अभी पढ़ा। सो इट इज 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, ठीक है, नॉट 100। तो मैं इसको यहाँ पर 3 जीरो के आगे 3 जीरो और लगा सकती हूँ, तो ये kg हो गया। तो इसका मतलब मैं इसको 10^(power) हाउ मैनी जीरोज, 6 जीरोज़। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10^(-6 kg। तो ये बात सही हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ, हुई ना। तो जब भी हमारे पास अगर कोई भी से ऐसा एक डिजिट है, ठीक है, मतलब 1/1000 है, तो इसको अगर मुझे न्यूमिरेटर में लिखना है तो मैं 1 10 लिखूँगी सबसे पहले, और उसके बाद जितनी भी ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, उतनी जीरोस को मैं नेगेटिव पावर देकर लिख दूंगी। ओके, मान लो 1000 लिखा है मैंने, ठीक है, ये 1000/1 है, तो इस केस में 10 लिख के मैं इन जीरोस को पॉजिटिव पावर में लिख दूंगी। ओके, तो बात क्लियर हो गई सबको, सिंपल है। तो कन्वर्जन्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। ऑल राइट, सो लेट अस डू अ क्विक रीकैप ऑफ दिस मेजरमेंट ऑफ मास। सबसे पहले है 1 क्विंटल, अभी पढ़ा था क्विंटल, ठीक है, तो हमने पढ़ा किलोग्राम, किलोग्राम इज SI यूनिट, है ना, तो ये क्या है, ये SI यूनिट है kg, राइट। सो 1 क्विंटल, राइट, तो क्यू छोटा होना चाहिए जैसा कि हमने पढ़ा था अपने कन्वेंशंस में। सो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 1000 kg। नाउ 1 मेट्रिक टन, तो यहाँ भी m छोटा होगा, सो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल, सो इट कम्स आउट टू बी 10 × ऊपर का 100, सो इट विल बी 10 × 100, दैट इज 1000 kg। नाउ इट विल बी इक्वल टू 1000 kg, गुड। नेक्स्ट इज ग्राम, अगेन द सेम मिस्टेक, जी छोटा होना चाहिए था और सिंबल जी होगा, ठीक है, ओके। सो हाउ मच इज दिस, सो इट इज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/100 kg, क्या ये सही है, सो 1/100 नहीं, 1/1000, ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू 10^-3 kg। ओके, देन मिलीग्राम, अगेन गड़बड़ है, स्मॉल m होना चाहिए और यहाँ पर सिंबल है mg, सो इट विल बी इक्वल टू 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम्स, और अगर kg में लिखना है तो 3 जीरोज और लगा देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 10^-6 kg। इज इट करेक्ट, ओके, वेरी गुड। तो ये सारी की सारी आपको एक पेपर पे लगानी है कन्वर्जन्स, अपने सामने पेस्ट कर देनी है और हर एक कन्वर्जन को एक बार में रिकॉल करने की कोशिश करनी है, पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, जब आपको लगे कि बिल्कुल अब तो परफेक्ट हो चुकी हैं तो आपको इन कन्वर्जन्स को एक एक करके रिकॉल करना है। जैसे अभी पढ़ाई करके हटे, चलो एक रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल किया, देखा ठीक है तो चले गए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जाओ आराम करो, रेस्ट करो, खेलो, खाओ पियो, एंड देन व्हेन यू कम बैक टू स्टडी तो फिर से उसको एक बार पहले रिकॉल करके उसको प्रैक्टिस कर लो कि नेक्स्ट टाइम ना भूले, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जस्ट क्विक रीकैप, हम मास को भी पढ़ चुके हैं CGS में भी और FPS में भी। तो FPS, तो P इज फॉर पाउंड, तो LB इसका सिंबल है, सो यूनिट ऑफ मास इन FPS सिस्टम इज पाउंड, दैट इज LB। द नेक्स्ट इज CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में G इज ग्राम्स, तो दैट इज स्मॉल g। तो ये जस्ट एक क्विक रीकैप था आपके लिए, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, सो द नेक्स्ट वन इज द डिवाइसेस दैट वी यूज टू मेजर द मास। फर्स्ट वन इज द बीम बैलेंस, जो कुछ ऐसा होता है, एक पैन यहाँ पर है, ठीक है, ये पैन 1 है, ये पैन 2 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नीडल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर
कुछ अपना से एक किलो आलू, कुछ आलू डाल दोगे, ठीक है, यहाँ पर आपने पोटैटोज डाल दिए, और दूसरी तरफ आप कुछ ऐसे वेट्स डालते हो, तो जब आप मान लो आपको एक किलो, पहले होता था ऐसा, पहले यही यूज़ होते थे, अगर आप सब्जी लेने जाते थे तो ऐसे सब्जी दाल राशन लेने जाते थे तो ऐसे ही वेट्स का यूज़ होता है, होता था, मतलब ऐसे ही बीम बैलेंस का यूज़ होता था। तो क्या करते हैं, जैसे आपने बोला कि एक किलो आलू चाहिए, तो यहाँ से ये एक किलो का बट्टा उठा के यहाँ पर डाल दिया जाता था एंड देन मेजर किया जाता था, दूसरी तरफ आलू डालते जाते थे, अगर ज़्यादा हैं तो कम कर रहे हैं, कम हैं तो उसमें और आलू डाल रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली बीम बैलेंस वॉज यूज टू मेजर द मास ऑफ द पर्टिकुलर अननोन क्वांटिटी, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो आजकल चल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज हैं, तो आप यहाँ पर इवन ग्राम्स में भी, अब मैं बोलूँ कि मुझे ना से 700 ग्राम्स क्या चाहिए, टमेटोज चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी और जो भी है, जो भी मतलब जो शॉपकीपर है, ठीक है, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, यहाँ पर ये रखता जाएगा, टमाटर रखते जाएगा और जैसे ही 700 ग्राम्स होंगे वो मुझे दे देगा, ठीक है। तो ये जो बैलेंसेस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैं, ये बहुत अलग अलग तरह के आते हैं और अलग अलग तरह से इनको यूज़ किया जाता है। जैसे जो सब्जी या दाल चावल मेजर करने के लिए होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ऐसे जो छोटे वाले होते हैं ये छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के लिए होते हैं, जैसे घर में अगर आपको से बेकिंग करनी है तो बेकिंग में जो छोटी छोटी मेजरमेंट्स है, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में जो मेजरमेंट्स हैं वो ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से की जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है ना, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हम लोड को रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोड को प्लेस करते हैं। अब क्या होता है, ये जो लोड है, ये सिग्नल जो है वो जनरेट होता है लोड सेल में और वो ऑटोमेटिकली मेजर कर लेता है उस पर्टिकुलर लोड को, कितना है, ग्राम्स में है, मिलीग्राम्स में है, कितना है, उसके बाद इसको सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और ऑटोमेटिकली जो लोड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में, राइट। तो ये आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर, एक वेसल रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना लोड जो है वो यहाँ पर प्लेस करते हो और ये सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड दीज सिग्नल्स कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, ऑल राइट, ओके। सो बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, लेट अस टेक अ क्विक लुक ऑन अ क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज इंडिकेटेड। तो सबसे पहले है 2500 kg इक्वल टू डैश मेट्रिक टन्स, तो क्या होगा, तो देखो हमें पता है कि 1000 किलोग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मच, 1 metric ton, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 kilogram इज इक्वल टू 1/1000 metric ton, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि 2500 kg इज इक्वल टू 1/1000 × 2500 metric ton, करेक्ट। तो इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 2.5 metric ton, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.5, क्लियर है, ओके। द नेक्स्ट वन इज, 150 kg इज इक्वल टू हाउ मैनी क्विंटल्स। तो हमें पता है कि हंड्रेड के जी इज इक्वल टू 1 quintal, ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 kg इज इक्वल टू 1/100 quintal, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि 150 kg इज इक्वल टू 1/100 × 150 quintal, सो दिस केम आउट टू बी 1.5 quintal, क्लियर हो गया, सिंपल था, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज 10 lb, दैट इज 10 pound इज इक्वल टू हाउ मेनी kgs। सो नाउ 1 lb, दैट इज, हमने ये कन्वर्जन पहले नहीं की थी, सो 1 lb इज इक्वल टू 453.59 grams, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 kg
इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो पहले हम इसको ग्राम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 1000. तो ये हो जाएगा 0.453. सिंपली ये जो डेसिमल है ये उधर को मूव कर जाएगा बाय 59 केजी. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 1 LB इतना है तो 10 LB कितना होगा. 10 LB विल बी इक्वल टू 4.5359. तो मैं बेसिकली यहाँ पर इस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड दैट विल बी माई केजी में आंसर. सो इट विल बी 4.5359 केजीज. ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं. सो 2500 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज. तो हमें पता है कि 1 KG इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ओके, सो 1 KG इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 KG. सो 2500 ग्राम्स इज इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाइड बाय 2500. सो इट विल बी 2.5 KG. ठीक है, तो समझ आ गया. ओके, द नेक्स्ट वन इज 0.01 KG इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स. तो ये वाला जो है ये तो हमारा सेम ही रहेगा. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 KG इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. सो 0.01 KG इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.01. तो कितना हो जाएगा, जल्दी से निकालो. सो मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो इट विल बी इक्वल टू 10 ग्राम्स. ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये आप सॉल्व करेंगे और आप मुझे आज क्वेश्चन सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपका आंसर आया, और नहीं आया तो आप पूछेंगे कि मैम अभी भी डाउट रह गया है प्लीज़ हमें बता दीजिए. तो मैं आपको आंसर बता दूंगी आज क्वेश्चन सेक्शन में, और ये भी स्टेप बाय स्टेप कि उसको सॉल्व कैसे करना है. दिस वॉज ऑल फ्रॉम आर टुडे सेशन. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. आई होप यू अंडरस्टूड द 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ और आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी हम कौन कौन से यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं और उनकी कन्वर्जन्स कैसे करेंगे. तो मेरा अभी भी सेम ही पॉइंट है कि आपको इन कन्वर्जन्स को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कहीं पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो. ठीक है, सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ऑल राइट, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नोहा मतलब फ्री है पर बेस्ट है.